हेलो फ्रेंड, आज हम आपको अंडा पराठा बनाना बता रहे हैं। उसके लिए हम सबसे पहले मैदा सानेंगे। इसमें बस एक चुटकी नमक डालेंगे और मोयन के लिए तेल डालेंगे रिफाइंड। अब इसको अच्छे से मिलाते हुए हम इसका आटा सानेंगे। आप चाहें तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। हमने मैदा में ये अंडा पराठा बनाया है। जब तेल मोयन अच्छे से मिल जाए तब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हम अभी इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी दे रहे हैं, हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर, ताकि ये जल्दी से फ्लफी हो जाए। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छे से इसका डो बनाएंगे। डो बना के इसको तकरीबन 10 से 20 मिनट के लिए छोड़ना पड़ेगा ताकि पराठा थोड़ा नरम बन सके। इसको अच्छे से सान लेना है। ये आटा आप देखिए, ये काफ़ी नरम बन गया है। अब हम इसको ऊपर से थोड़ा सा रिफाइंड लगा के या घी लगा के, जो भी आप लगाना चाहें उसको लगा के, बस गीले कपड़े से 10 मिनट के लिए ढक देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको गीला कपड़े से ढक के तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उससे काफ़ी जो पराठा है वो बहुत नरम बनेगा। बस इसको अब हम ढक के छोड़ दे रहे हैं और बाकी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिलिंग बनाने के लिए हम बॉयल्ड एग लेंगे और इसको ऐसे हम इसमें ग्रेट धीरे 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 ग्रेट करेंगे ताकि वो अंडा टूटे नहीं। धीरे धीरे हमने 4 बॉयल एग लिया है। उसको ऐसे घिसने वाले से हल्के हल्के हाथों से घिस लेंगे और ये जो कुछ मोटा पार्ट बच रहा है आप उसको अलग कर दें, क्योंकि फिर नहीं तो वो बेलने के समय में वो फटने लगेगा पराठा। अंडा को इस तरह हम सभी चारों अंडा को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। एक पीला अंडा के पीला पार्ट के साथ ही इसको करना है, येलो पार्ट हटाना नहीं है। अगर आप येलो पार्ट नहीं पसंद करते हो और नहीं खाते हो तब आप सिर्फ एक वाइट को ही आप कर सकते हैं, योक को हटा दीजिए। चारों एग को मैंने इस तरह घिस लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा नमक स्टफिंग में और ये आधा इंच अदरक मैंने घिस के रखा है। अदरक को मिलाना है इसमें, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, प्याज छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ और ये हरा धनिया। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। बस मेरा ये स्टफिंग रेडी हो गया है। हम इसमें अजवाइन नहीं डालेंगे, बस इसको अच्छे से मिला के फिर हम इसका पराठा, करारा पराठा सेकेंगे। आप इसको सॉस चटनी के साथ खा सकते हैं और बहुत जल्दी बनता है और कुछ नया, क्योंकि अंडा पराठा तो एक भुर्जी बना के बनता है, लेकिन मैं इसको एक अलग तरीके से बना के आपको दिखाती हूँ। पराठा बनाने के लिए अब मैदा रेडी है। सबसे पहले हम इसका गोल बनाएंगे और इसे थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसको हम बेलेंगे। अच्छे से इसको बेलेंगे। पहले इसकी एक पतली रोटी बना लेंगे। थोड़ा सा ये जो आटा का पेड़ा है, मैदा का जो मैंने काटा है स्टफ करने के लिए, इसको थोड़ा थोड़ा बड़ा ही लेंगे। अब जो ये स्टफिंग जो हमने बनाया है
उसको इसके बीच में डालते हैं और चारों तरफ से इस तरह हम उसको मोड़ेंगे ऐसे। अब इसमें हम थोड़ा सा वापस सूखा आटा लगाएंगे ताकि ये चिपके नहीं, और इसको हल्के हाथों से इसको बेलेंगे। गैस पे हमने तवा चढ़ा दिया है। इस पराठा को एकदम गरम तवा पे डालना है, उसके बाद आप आंच को थोड़ा सा सिम कर दीजिए और तब इसका पराठा आप सेकिए। सिम आंच पे पराठा थोड़ा करारा सिकता है और ये बहुत ही सिंपल पराठा है। जब किसी दिन कुछ बनाने का दिल ना करे, घर में सब्जियां ना हो, तो रात के डिनर में आप या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप इसको बना सकते हैं सॉस चटनी के साथ और प्लेन दही के साथ ही ये खा सकते हैं। ये बिल गया है, अब हम इसको तवा पे, हमने गरम तवे पे पराठा को डाल दिया है। अब हम इसको आंच सिम कर देंगे और फिर दूसरी तरफ पलटेंगे और इसको धीरे धीरे सेकने देंगे। अब आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से पराठा अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। पराठा घी में ही बना अच्छा लगता है, और ये तो मेरा होममेड घी है, बहुत ही शुद्ध घी। आप इसको धीरे धीरे करके दोनों तरफ से करारा सेक लेंगे। ये रेसिपी थोड़ी सी यूनिक है, बनने में भी बहुत आसान है, आप इसको बना सकती हैं। घर में तो तकरीबन हर कुछ रहता ही है, अगर आप कहीं बाहर से आए हो और बहुत कुछ बनाने का मन नहीं हो तो भी आप ये सिंपल और इजी पराठा बना के आप खा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये पराठा दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है। अब आप इसको प्लेन दही सॉस और हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। केवल इसको सेकना दोनों तरफ से बहुत अच्छे से है। अच्छे से सेकने से इसमें एक करारा में स्वाद भी आएगा, और इसका चूंकि घी में बना हुआ है इसलिए इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। बस बन गया अभी ये, बाकी पराठों को भी आप इसी तरह सेक लीजिए और पराठा का आनंद लीजिए। ये अंडा पराठा सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसे ज़रूर से बनाएं अपने घर में और अपने दोस्तों को भी खिलाएं। अपने परिवारजनों के साथ ये अंडा पराठा और चाय का आनंद लें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा। धन्यवाद।